हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुज्जर हैं मेरे साथ और बजट सर पेश हो गया है 2021-22 का। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इस बजट को, खासतौर पर आपके एजुकेशन के लिए क्या निकला? बहुत अच्छा बजट है और मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि बजट में जो सेवा के कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए ज़्यादा बजट देंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है मुझे, और वैसा ही हुआ है बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था सुबह भी कि एजुकेशन के लिए जो पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा, 17.9% में अब की बार ज़्यादा मिला। जो पिछली बार 15,000 करोड़ मिला था तो अब की बार 18,000 करोड़ से सरप्लस में पैसा मिला है। तो निश्चित तौर से इसमें जो है शिक्षा को एक नई गति मिलेगी। जिस प्रकार से हमने टेबलेट देने का जो शुरू किया बच्चों को, तो उनको बच्चों को एक इस प्रकार के संसाधन मुहैया कराना कि जो आज की ज़रूरत है अगर उनको मिलेगा तो निश्चित तौर से वो बच्चे अच्छा काम करेंगे और देश के लिए बड़ी भारी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही सर पर्यटन के लिहाज से भी मुख्यमंत्री ने कोई बजट में प्रावधान किया है? हाँ, पर्यटन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 करोड़ रुपए, नहीं 113 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखे हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छा काम कर लेंगे। नए स्कूल कॉलेज या कोई फिर यूनिवर्सिटीज की बात हुई है सर? देखिए वो जो बजट है इसमें तो अभी नहीं, जिस प्रकार हमने 72 स्कूल पहले खोले पिछली बार और 72 कॉलेज पिछली बार खोले और अब की बार भी कोरोना काल में भी माने मुख्यमंत्री जी ने 15 कॉलेज की घोषणा की, वो 15 के 15 कॉलेज चल गए। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो, जहाँ पिछले पूरे उसमें 22 खुले अब की बार हमने 136 खोले। ऐसे प्ले स्कूल हैं तो वो हम 1100 स्कूल खोलने जा रहे हैं और हमने एक टारगेट रखा कि 5 साल में हम 4000 स्कूल खोलेंगे। तो ये सारा कुछ नया है और इसमें शिक्षा में बहुत सुधार होगा और यही कारण है कि आज हमारे पास लगभग 2 लाख बच्चे बढ़े हैं। बुजुर्ग सम्मान पेंशन भी बढ़ी है सर, 250 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी है, मैं स्वागत करता हूँ उसका। और ये बात हमने पहले कही थी कि हर साल हम 250 रुपये बढ़ाएंगे, वो बढ़ाई दी। और मैं समझता हूँ कि पेंशन के मामले में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट से 3 गुना ज़्यादा है जी। और विपक्ष कह रहा है कि जो ये आंकड़े हैं ये गुमराह करने वाले हैं, प्रदेश का कर्जा 2 लाख करोड़ को पार कर गया। देखिए कर्जा, जब मेरा काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। अब मान लो मैं बिजनेस करता हूँ, एक दुकान करता हूँ, 100 रुपये का मेरा सामान है और उसमें मैंने 20 रुपये का लोन ले रखा, लेकिन मैंने अगर बढ़ाया कि उसको 200 रुपये का कर लिया और उसमें मेरे अगर 20 रुपये के 35 रुपये के, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, काम भी तो बढ़ रहा है ना जी। अब बजट भी देखो ना, हुड्डा साहब कह रहे हैं मेरे टाइम में 60,000 करोड़ था, तो बजट भी 60,000 करोड़ का था ना। अब 1.5 लाख करोड़ का बजट है तो कुछ कर दे बढ़ाएंगे। और हमने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए ना, उनका बिजली बोर्ड का 27,000 करोड़ पड़ा था, अब वो सारा का सारा हमने सरकार ने इधर अपने नाम ले लिया, उस पर ब्याज कम हो गया, तो आज फायदा रहा। आज वही जो बिजली विद्युत निगम है, आज वही 640 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा। वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो जो है वो निराशाजनक है प्रदेश के लोगों के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, बजट से निराश नहीं है, वो तो वैसे निराश हैं बेचारे, अब सत्ता में आने का मौका नहीं मिला तो निराश ही निराश हैं। और आगे भी उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी निराश है, तो ऐसे में उनको कोई कैसे आशा कैसे हो सकती है। अब आशा तो वो दोबारा विचार करें, पगड़ी तो उन्हें बांध ली भगवी, तो शायद उसका आशा भी हो जाए।